हैदराबाद मुठभेड़ को लेकर जिस तरह से देश भर में प्रतिक्रियाएं आ रही उससे ये साफ है कि लोग चाहते हैं कि बलात्कारियों को न सिर्फ कड़ी से कड़ी सजा मिले बल्कि मामले पर फैसला जल्द हो। ऐसे मामले तारीख पर तारीख और अपील पर अपील की फाइलों में दबकर कहीं दम न तोड़ दें। और इस सब सारी बहस के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुझाव दिया है कि पॉक्सो कानून के तहत दोषी अपराधियों को दया याचिका के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। देश में महिला सुरक्षा और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए जारी बहस के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मामले में एक नया सुझाव दिया है। माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय में सामाजिक परिवर्तन के लिए महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पॉक्सो कानून के अधीन आने वाली घटनाओं में अभियुक्तों को दया के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। एक इस प्रकार के जो कन्विक्ट होते हैं उनको एक संविधान में मर्सी पिटीशन का अधिकार दिया गया है और मैंने कहा है कि इस पर आप पुनर्विचार करिए। यदि मर्सी पिटीशन के अधिकार को यदि ऐसे केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पिटीशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें इस प्रकार के किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं है। अब ये सब हमारी संसद पर निर्भर करता है क्योंकि उसमें एक संविधान होना, संविधान संशोधन होना। राष्ट्रपति ने कहा कि लड़कों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर माता पिता की है। बेटियों पर होने वाले आसुरी प्रहारों की वारदातें देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती। लड़कों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर माता पिता की है, हर नागरिक की है, मेरी है, आपकी भी। महिला सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति के बड़े बयान से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि वो सुझाव दें कि कैसे सीआरपीसी और आईपीसी जैसे कानूनों में बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में संसद महिला सुरक्षा कानूनों को और सख्त और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए विचार कर सकती है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है। दया याचिका खारिज करने की फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने दया याचिका खारिज कर दी और फाइल विचार करने और अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेज दी। मामले के दोषियों में शामिल विनय शर्मा 23 वर्षीय छात्रा से बलात्कार और उसकी हत्या को लेकर मौत की सजा का सामना कर रहा है। गौरतलब है कि निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना 16 दिसंबर 2012 को हुई थी। चोटों के चलते बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस बर्बर घटना से राष्ट्रव्यापी रोष की लहर छा गई थी और व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। सुधाकर दास के साथ डीडी न्यूज। केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बताते हुए कहा कि इसके लिए सभी राज्य